देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में, ठीक है। आज का हम लोग को जो क्लास है, ठीक है, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ठीक है, आज का हम लोग का जो क्लास है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में, और उसका टॉपिक क्या है, तो मेगास्पोरेंजियम बेटा, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम को हम लोग पढ़े जा रहे हैं, और मेगास्पोरेंजियम में जो चीज़ स्टडी करेंगे, इसका डेवलपमेंट कैसा है और आगे का, ठीक है, आगे बढ़ना। चलो यहाँ लिखा बेटा, रीडिंग कर रहे हैं, गायनोशियम, ठीक है। गायनोशियम क्या होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेड अप ऑफ वन और मेनी कार्पल्स। याद रखिएगा, जो गायनोशियम है किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट में, वो एक या एक से अधिक कार्पल का बना हो सकता है, एक या एक से अधिक कार्पल्स का। कार्पल मतलब होता है बेटा अंडम, खुल गया, अंडम, ठीक है। कार्पल में आप लोग पढ़े होंगे, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी होता है, ठीक है, तो बना होता है। इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है। जो कार्पल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा, किसका, तो हाँ, फ्लावर का, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ देखिए, टिपिकली द कार्पल कंसिस्ट ऑफ प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल ओव्यूल बियरिंग पार्ट। टिपिकली आदर्श रूप से क्या बोलते हैं, द कार्पल कंसिस्ट ऑफ, कार्पल के पास होता है एक प्रोक्सिमल ओव्यूल बियरिंग पार्ट, ठीक है। यानी कार्पल जब शुरू ही होगा ना, शुरू ही होगा, तो वहाँ पे ओव्यूल रखने वाला पार्ट होगा, क्या होगा, एक डायग्राम है जिसको हम बना के आपको दिखाने की कोशिश करें, आप लोग बचपन से देखे होंगे, ठीक है। इसमें कार्पल के बारे में डिस्कस, ये ओवरी है, क्लियर। तो ये तीन हिस्से बटा हुआ बेटा, क्या क्या, सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा, और बीच वाला लंबा फिलामेंटस पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे फूला हुआ भाग जो होता है उसे हम लोग ओवरी बोलते हैं। तो ये मान चल रहा है कि यह ओवरी से स्टार्ट हो रहा है, और ओवरी के अंदर ही बेटा ओव्यूल्स लगे होते हैं। अब इनके नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स लगे हो सकते हैं, ठीक ना, ओव्यूल लगे होते हैं, और नंबर ऑफ ओव्यूल के बेसिस पे या पोजीशन ऑफ ओव्यूल के बेसिस पे नाम बदलता जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे चल रहे हैं, लिख रखा है ओवरी, और उसमें दूसरा लिखा है डिजिटल पोलन रिसेप्टिव पार्ट ऑफ स्टिग्मा। जो सबसे अंतिम पोर्शन होता है किसका, कार्पल का, वो स्टिग्मा होता है, और स्टिग्मा पर ही पोलन आकर के अटैच होता है। यानी पॉलिनेशन में पॉलन जो आता है, पॉलन वो स्टिग्मा पर ही आता है, ये पोर्शन स्टिग्मा है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड मीडियल स्टराइल पार्ट, जो बीच में फिलामेंटस डंडा है वो, उसे हम लोग, वो बांझ होता है, स्टराइल होता है, वहाँ वो किसी नए सेल को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, केवल केवल पॉलन ट्यूब को पैसेज दे रहा है, पॉलन ट्यूब को रास्ता दे रहा है, ठीक है, ओव्यूल तक पहुँचने के लिए या ओवरी तक पहुँचने के लिए। द ओव्यूल विच इज इनक्लोज बाई ओवरी, याद रखिए बेटा, जो ओव्यूल है वो ओवरी से घिरा हुआ होता है। ओव्यूल कहाँ होता है, तो ओवरी पैक किया रहती है, हो गया। डेवलप इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर से बात कर रहे हैं कि ओव्यूल्स घिरा हुआ है ओवरी से, और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद, ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में बदल जाएगा, तो सीड में बदल जाता है बेटा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में बदल जाता है, तो सीड में बदल जाता है। आगे बढ़ रहे हम लोग, इन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल बॉडी, याद रखो, जब तुम एंजियोस्पर्म के ओव्यूल की बात करोगे और सेंट्रल बॉडी की बात करोगे जिससे ओव्यूल बना होता है उसकी बात करोगे, तो उसे हम लोग न्यूसेलस बोलते हैं, न्यूसेलस या बीजांड काय बोलते हैं, ठीक है, बॉडी ऑफ ओव्यूल बोलते हैं। एंड ओके, एंड अ बेसल स्टाफ, याद रखिएगा, जो सेंट्रल बॉडी है वो तो न्यूसेलस कही जा रही है, और जो न्यूसेलस डंठल लगा हुआ है नीचे की ओर जो ओवरी से चिपकाएगा, स्टाक जो लगा हुआ है इज अटैच टू प्लेसेंटा, याद रखो, जो फ्लावर में थैलमस होता है जिसके ऊपर फूल लगे रहते हैं उसे हम लोग थैलमस कहते हैं, और उसके ऊपर ओवरी होता है, याद रखो, ठीक है, उसके ऊपर ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगे होते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स लगे रहते हैं। तो ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जिस लेयर से, ओवरी के जिस लेयर से जुड़ते हैं उसी को बेटा प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है।
उसे प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूल जिससे भी लगा रहता है उसे हम लोग प्लेसेंटा बोल देते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उस डंडे को जिससे प्लेसेंटा से अटैच हो रहा है उसे फ्यूनिकल कहा जाता है, वो थ्रेड है दैट इज फ्यूनिकल। आगे लिखा बेटा, द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड एंड इनक्लोज्ड बाई वन और टू सीथ। याद रखो, जो भी न्यूसेलस होगा बीजांड में, जो भी न्यूसेलस, अभी हम डायग्राम पढ़ेंगे, अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे, सब कुछ दिखाई देगा क्लियर। जो भी न्यूसेलस होगा चारों ओर से जो घिरा होगा वो सीथ से, आवरण से घिरा होगा, और ये आवरण की संख्या बेटा एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। अगर न्यूसेलस एक आवरण से घिरा हुआ है, यानी न्यूसेलस चारों तरफ एक कवरिंग है, तो ऐसे ओव्यूल को बोलते हैं यूनिटेगमिक। और दो आवरण है, दो कवरिंग है, तो बोलते हैं बाईटेगमिक। याद रखना, इंटेगमेंट बोलते हैं उसे हम लोग, यूनिटेगमिक एंड बाईटेगमिक। जिस जगह पे आवरण नहीं होता कवरिंग नहीं होती बेटा, ठीक है, जिस जगह पे आवरण नहीं होता उस जगह को बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। ये वो जगह है, डायग्राम प्रिपेयर कर रहा, वीडियो में देख लेंगे, ये वो जगह है जहाँ पे कवरिंग नहीं होता, ठीक है। इसे माइक्रोपाइल कहते हैं बेटा, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। जहाँ इंटेगमेंट इनकम्प्लीट होता है वो जगह पे एक छिद्र होता है, उस छिद्र को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द ओपनिंग इन द इंटेगमेंट्री सीथ, यानी जो आवरण कवरिंग है एक जगह से खुली होती है, जिस जगह से खुली होगी वो ओव्यूल का टिप होगा, न्यूसेलस का टिप होगा। वेयर टिप ऑफ न्यूसेलस इज एक्सपोज, यानी वहाँ से न्यूसेलस दिखाई देगा, और उस टिप को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं बेटा, माइक्रोपाइल कहते हैं। चलिए, ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगले पेज पे हम लोग जा रहे हैं, जो अगला पेज बेटा वो डायग्राम ही है, और वही डायग्राम है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये ओव्यूल का डायग्राम है, सेलुलर डायग्राम है, इसमें सेल दिखाई दे रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखोगे तो वो सारे नाम मिल जाएंगे जिस नाम पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। जिस नाम पे हम लोग चर्चा कर रहे थे वो सारे नाम आपको यहाँ मिल जाने हैं, ठीक है। यहाँ देखो न्यूसेलस दिख रहा है, न्यूसेलस दिखाई दे रहा है आप लोग डायग्राम में। अब न्यूसेलस की कोशिकाएं जो हैं वो सेंटर की, वही कोशिकाएं, वही सेल जो हैं वो सेंटर में। अब न्यूसेलस जब दिख रहा है उसके बाद जाओ, ठीक है, आपको इंटेगमेंट दिख रहा है, इनर इंटेगमेंट दिख रहा है क्या? इनर इंटेगमेंट यानी अंदर वाली वॉल जो है, अंदर वाली लेयर जो है इनर इंटेगमेंट है। आउटर इंटेगमेंट दिख रहा है, यानी यहाँ दो न्यू इंटेगमेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे देखिए फ्यूनिकल लिखा हुआ है, इसके नीचे फ्यूनिकल लिखा हुआ है। जो फ्यूनिकल है वो एक तरह से डंठल है बेटा, ये डंठल है, ये जोड़ रहा है किसको? प्लेसेंटा से। फ्यूनिकल जो नीचे जुड़ रहा हुआ है ना, जिससे जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है वो प्लेसेंटा है। ऊपर तो ओव्यूल से जुड़ा हुआ है, ओव्यूल की बॉडी से, और नीचे जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा से, ठीक है। नीचे का जो लेयर है वो प्लेसेंटा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला पेज है, ठीक है। और इसमें लोग क्या देख रहे हैं, इसमें बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। इन्होंने ओव्यूल वेयर न्यूसेलस इंटेगमेंट एंड फ्यूनिकल मर्ज, याद रखो वो हिस्सा ओव्यूल का जहां पे तीनों चीजें जुड़ रही हैं बेटा। कौन कौन चीज जुड़ रही हैं? न्यूसेलस जुड़ रहा है, इंटेगमेंट जुड़ रहा है, और फ्यूनिकल जुड़ रहा है। उस हिस्से को चैलेजा कहते हैं, उस हिस्से को हाँ चले जा करते हैं, CHALZA। याद रखो डायग्राम में चले जा मिलेगा आगे जा करके, अब उसमें है नहीं है नहीं मालूम, लेकिन चले जा मिलेगा आगे। अब सेंटर की बात कर रहे हैं बेटा, अगर हम लोग ओव्यूल की बात करें और सेंटर को देखें, उसके सेंटर को, तो सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है? द एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड इन न्यूसेलस। याद रखो एक थैली बनती है अंदर, यानी ओव्यूल के अंदर एक छोटी सी थैली दिखाई दे रही होगी आपको, जिसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। लिखा हुआ है क्या एम्ब्रियो सैक?
एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है बेटा, एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा ही अगली लाइन वही लिखा ही है, न्यूसेलस इज द फीमेल गैमेटोफाइट, लिख रखा है ध्यान से देखिए, इज द फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ लिख रखा है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है हमने मार्क कर दिया है। द टिपिकल अटिपिकल एम्ब्रियो सैक कंटेन हैप्लॉयड, सॉरी 8 हैप्लॉयड सेल्स। अगर आप किसी टिपिकल एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे तो उसमें 8 अगुणित कोशिकाएं होती हैं, 8 हैप्लॉयड सेल होती हैं। कैसे बनती हैं अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 8 कोशिकाएं कैसे बनती हैं उसी को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो पढ़ोगे अभी ना उसी को पढ़ोगे याद आएगा अभी आपको, ठीक है। 8 हैप्लॉयड सेल्स होती हैं, ऑफ दीज 8 न्यूक्लियाई 3 एट चैलेंजर एंड, चैलेंजर के बारे में बात किए थे हम लोग, 3 जो होती हैं चैलेंजर की तरफ होती हैं, ठीक है, एंड ओरिजिनेट इनटू एंटीपोडल सेल्स, और इनको हम लोग एंटीपोडल सेल्स कहते हैं बेटा, ठीक है। और 3 आर माइक्रोपाइलर इन, 3 माइक्रोपाइल की तरफ होती है, जिधर छिद्र होता है बीजाणु का छिद्र होता है उधर 3 होती हैं, उसे हम लोग एग ऑपरेटर्स कहते हैं बेटा, एग ऑपरेटर्स, अंड उपकरण, एग ऑपरेटर्स याद रखिएगा। एग ऑपरेटर्स में बेटा 2 तरह की कोशिकाएँ होती हैं, एग ऑपरेटर्स में 3 कोशिकाएँ होती हैं, देर आर 3 सेल्स बट दीज आर 2 टाइप्स, 2 तरह की 3 सेल होती हैं। जैसे किसी कमरे में 3 बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन वो 2 तरह के हैं, नहीं समझ मेरी बात, 3 बच्चे हैं लेकिन 2 तरह के, पता लगा 2 लड़की एक लड़का, तो 3 हो गए ना लेकिन 2 तरह के हुए ना, वैसे ही 3 कोशिकाएं होती हैं 2 तरह की, उसमें से 2 होती हैं सहायक कोशिका जिसे बोलते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, और 1 होता है बेटा अंडा, एक सेल फीमेल गैमेट, 1 होता है अंडा और 2 होती है सिनर्जिड्स जिसमें बात कर रहा है बेटा, और तीनों को मिला के एक ऑपरेटर कहते हैं। द टू और मीडियन न्यूक्लियाई, 2 मीडियन न्यूक्लियाई आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, याद रखो। इसी एम्ब्रियो सैक में 2 कोशिकाएं बेटा जो है ना, 2 केंद्रक जो हैं वो सेंटर में होती हैं, सेंटर में, ठीक है, बीचों बीच एम्ब्रियो सैक के सेंटर में होती हैं, उसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। द 3 एग ऑपरेटर, जो एग ऑपरेटर है ना, द एग ऑपरेटर हैज एन, एग ऑपरेटर के पास 1 अंडा होता है बेटा, ये फीमेल गैमेट है, एंड 2 सिनर्जिड, अभी बोले 2 तरह की होती हैं, 3 में से 2 तरह की होती हैं, 2 सिनर्जिड्स होती हैं सहायक कोशिकाएं और 1 अंडा होता है, क्लियर। द फॉर्मर रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेट, यानी अंडा जो है वो मादा गैमेट है बेटा, जो फॉर्मर पहला वाला जो है वो बेटा मादा गैमेट है, फीमेल गैमेट है, और बाद वाला तो सहायक है, मदद करता है फर्टिलाइजेशन में, हेल्प करता है। आगे बेटा, आगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पर हम लोग बात करेंगे और इसके बाद रुक भी देंगे वीडियो को हम। टाइप ऑफ ओव्यूल डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, याद रखिएगा कितने तरह के ओव्यूल्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसको बांटते हैं 6 कैटेगरी में, 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैव बीन रिकॉग्नाइज, लिखा हुआ नीचे 6 तरह के ओव्यूल्स होते हैं, लेकिन किस आधार पर आप 6 ग्रुप में कैसे बांटोगे उसे, तो उनका पोजीशन कैसा है, उनकी बनावट कैसी है, वो ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, लिखा हुआ बेटा। डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल जो बीजाणु द्वार होता है ना उसका पोजीशन किधर है, मतलब एकदम ऊपर है माइक्रोपाइल का मुंह ऊपर है या साइड में है या नीचे है या पूरा घुमा हुआ है, तो कैसा है माइक्रोपाइल। चैलेंजर एट मैच्योरिटी, मतलब ओव्यूल के परिपक्व होने पर, जब ओव्यूल परिपक्व हो जा रहा है, मैच्योर जा रहा है, उस समय माइक्रोपाइल का पोजीशन और चैलेंजर की परिपक्वता के आधार पर इसको 6 समूह में 6 ग्रुप बांटा जाता है। और इसका नाम क्या है, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस और कंपाइलोट्रोपस, 6 तरह होते हैं आपको याद, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।